हाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आ गई एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको कि मैं इस बार CSSD का फुल डिटेल्स आपको बताऊंगी कि कैसे उसमें फंक्शंस होता है। सो CSSD का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा यूनिट होता है जहाँ पूरे हॉस्पिटल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, लीनन होते हैं, या जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो स्टराइल होने के लिए आते हैं। स्टेलाइजेशन क्या है? स्टेलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ स्पोर्स भी किल हो जाते हैं। जैसे हम लोग स्पिरिट या दूसरे जितने भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं या किसी किसी में बैक्टीरिया ही किल होते हैं, बट इसमें क्या है, स्पोर्स भी किल हो जाते हैं एंड वो इंस्ट्रूमेंट पूरा स्टराइल हो जाता है, रेडी टू यूज़ फॉर द नेक्स्ट पेशेंट। एंड इसमें CSSD में तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं। CSSD भी तीन डिपार्टमेंट में डिवाइड है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है आपका, फर्स्ट डिपार्टमेंट इज़ रिसीविंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को वो स्टराइल करने के लिए, जो भी अनस्टराइल हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद, जो भी यूज़ होता है उसको स्टेलाइजेशन के लिए जो भेजते हैं, जो एरिया में वो रखते हैं, वहाँ से वो CSSD स्टाफ उसको रिसीव करता है। सो वो रिसीविंग एरिए को रिसीविंग एरिया कहता है। आई मीन जहाँ से अनस्टेराइल सामान रिसीव होता है स्टेरलाइजेशन होने के लिए, उस एरिया को रिसीविंग एरिया कहता है। सेकेंड डिपार्टमेंट आता है प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया में वो इंस्ट्रूमेंट क्लीन होता है। वैसे तो इंस्ट्रूमेंट क्लीन करके ही OT से या कहीं से भी क्लीन इंस्ट्रूमेंट, मतलब एज ए वाटर वॉश करके तो भेजते ही हैं हम, लेकिन फिर से CSSD जाके वो एक है मशीन वॉशिंग के लिए, डिस वॉशिंग वॉशर कहते हैं, उसका फंक्शन है टू क्लीन द इंस्ट्रूमेंट विथ हॉट वाटर स्टीम। फिर उसका भी एक साइकिल होता है। सो CSSD में जाके वो स्टीम में जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट फिर से क्लीन होता है। क्लीन होने के बाद फिर उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग के बाद स्टिकर्स लगते हैं एंड प्रोसेसिंग एरिया में द इंस्ट्रूमेंट इज रेडी टू गो इन द ऑटोक्लेव मशीन, या स्टराइल होने के लिए वो रेडी हो जाता है। एंड द नेक्स्ट, द थर्ड डिपार्टमेंट इज सप्लाई डिपार्टमेंट। सो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में सारा काम होता है, क्लीनिंग से लेके स्टराइल तक सारा प्रोसेसिंग में काम होता है। प्रोसेस होने के बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव मशीन से बाहर आता है, तब रिसीविंग एरिया में जो रैक्स है उस पर रखा जाता है। रिसीविंग एरिया वो एरिया है जहाँ से स्टराइल सामान दिया जाता है। सामान स्टराइल हो गया, अब हमारा केस आ गया, अब जितने भी स्टाफ्स हैं वो जाएंगे, रिसीव करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, एंड वो कहाँ से रिसीव करेंगे, रिसीविंग एरिया से। सो तीन डिपार्टमेंट हुआ, एक हुआ रिसीविंग जहाँ से अनस्टेराइल सामान इन हुआ CSSD में, सेकेंड है प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया में जितने भी सारे सामान हैं वो पैकिंग, क्लीनिंग एंड स्टराइल हुए। एंड थर्ड इज़ सप्लाई एरिया जहाँ से सारे ऑटोक्लेव मशीन या ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए, जहाँ का जो है